दोस्तों 16 अक्टूबर साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि शरद पूर्णिमा तिथि के दिन बस चुपचाप कर लीजिएगा। एक रुपए के सिक्के और एक लौंग का प्राचीन काल के समय का महाताकतवर उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद थे। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों जिस दिन का इंतजार पूरी दुनिया के पंडित एस्ट्रोलॉजर तांत्रिक करते रहते हैं वह 16 अक्टूबर को पढ़ने जा रही है। जी हां दोस्तों, हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, उनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व शरद पूर्णिमा तिथि का होता है। और दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार 16 अक्टूबर को पढ़ने वाली शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें चंद्र योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। और ऐसी शरद पूर्णिमा तिथि का समय पूरे 122 वर्ष बाद आया है। अगर आप इस पूर्णिमा तिथि के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, शरद पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। शास्त्रों में वर्णित है, शरद पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। कई वेद पुराणों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि शरद पूर्णिमा तिथि का दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठता है, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करता है, पूरे दिन का व्रत रखता है, उसको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाता है। उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति को उसके जीवन के समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन दोस्तों किसी कारणवश अगर आप इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस दिन चुपचाप एक रुपए के सिक्के और एक लौंग का उपाय ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ शरद पूर्णिमा के दिन एक सिक्का और लौंग का उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और एक बात को समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी आशीर्वाद दे दे तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक रुपए के सिक्के और एक लौंग का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा शुरू की जाती है तो हमेशा मुद्रा का पहला सिक्का यानी कि एक रुपए का सिक्का रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा अगर एक रुपए के सिक्के को रखकर शुरू न की जाए तो वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों जो एक रुपए का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जो स्टेनलेस स्टील होता है वह शुक्र ग्रह का कारक होता है, शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है और शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है इसमें भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। शास्त्रों में वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर सही दिन पर सही मुहूर्त पर भगवान विष्णु जी की पूजा में लौंग का उपाय और प्रयोग किया जाए तो उस उपाय का उस प्रयोग का पलट करके एक व्यक्ति को करोड़ों गुना लाभ मिलता है और एक व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए बस आपको आने वाली इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन चुपचाप एक रुपए के सिक्के और एक लौंग का उपाय ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार करना है
और साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। इसलिए हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि जब आप उपाय को सही मुहूर्त पर करेंगे तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। और वह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो शरद पूर्णिमा तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। अगर शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा तो आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है, और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे तो बस एक काम कीजिएगा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। आपको 2-1 रुपए के सिक्के लेना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब आपको इन 2 सिक्कों में एक सिक्के को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है, दूसरे सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है। बस आपका पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए। इतना उपाय अगर आपने शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह सिक्के माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएंगे, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। और एक बात को समझ लीजिए, अगर माता लक्ष्मी जी किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है, और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह प्रबल हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस शरद पूर्णिमा की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है, क्योंकि जो हल्दी होती है वह शुभ गुण का प्रतीक मानी जाती है। हल्दी का उपाय या प्रयोग भगवान विष्णु जी की पूजा में अगर किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है और आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है, और आपके घर के पूजा घर पर आपको वहां जाना है जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हो। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाना है, हल्दी के डिब्बे के और 1 रुपए के सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है, और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी इस 1 रुपए के सिक्के को आपको हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को ले जाना है। आपको अपने उस कमरे में रख लेना जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इतना उपाय अगर आपने शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह हल्दी का डिब्बा भगवान विष्णु जी का आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में आप जिस निर्णय को भी लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं मामलों में आपको जीत हासिल होगी। भगवान विष्णु जी की कृपा से आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं देखने को मिलेगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए।
अगर आप चाहते हैं कि इस पूर्णिमा तिथि के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस शरद पूर्णिमा तिथि वाले दिन रात के समय आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां पर भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। उसके बाद आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको 3 लौंग 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक लाल कपड़े पर 3 लौंग 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया रखना है। उसके बाद इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और इसको हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद आपको इस पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद यह पोटली आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन का समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार के आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दें, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हो। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है, क्योंकि दोस्तों जो हल्दी होती है वह शुभ गुण का प्रतीक होती है। भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी हल्दी का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और आपको 2 लौंग लेना है। उसके बाद पूजा घर पर आपको घी का दीपक जला देना है। 2 लौंग को हल्दी के डिब्बे को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद 2 लौंग को आपको अपने हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को आपको अपने उस कमरे में रख लेना है, जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह हल्दी का डिब्बा और लौंग आपके लिए भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बन जाएंगे, जिसके बाद आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। और एक बात को समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति को कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, जिसका इलाज करा करा कर आप थक चुके हैं, लेकिन आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा कि शरद पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में एक लाल कपड़ा लीजिएगा, उसमें 1 मुट्ठी लौंग आपको डाल देना है। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। इस लौंग का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है। हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, 1 मुट्ठी लौंग का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है और इस लौंग की पोटली को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। देखिए, अगर इतना उपाय आपने इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो जो भी आपके घर का बीमार व्यक्ति होगा उसके ऊपर कोई दोष परेशानी दिक्कत होगी वह सारी समस्याएं ये लौंग अपने साथ ले जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे आपके घर का बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। इस उपाय को करने के बाद इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों,
पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। पहले आपके जीवन में जो धन आता था वह रुकता था, टिकता था, लेकिन अब आपके जीवन में आप आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी में फंसे हुए हैं। तो समझ जाइए, आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लग गया है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियों में फंसे हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हर प्रकार की परेशानी, दोष आपके ऊपर से हट जाए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा। 16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा तिथि वाले दिन रात्रि में आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। अब आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी नमक रखना है। लाल कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और इस पोटली को हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को आपको ले जाना है, अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। अगर आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार स्थान पर उस जगह पर रख दीजिएगा जहां से आप अपने पैसे का लेन देन करते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके पास धन रुकता नहीं है, वह सारे दोष, सारी परेशानी ये पोटली खत्म कर देगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है, जिसका इलाज कराकर आप थक चुके हैं, लेकिन आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में एक मुट्ठी नमक लीजिएगा और इसका उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है। हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, एक मुट्ठी नमक का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है और फिर इस एक मुट्ठी नमक को ले जाकर के किसी भी सुनसान जगह पर आपको बहा देना है। देखिए, आपके घर पर जो भी बीमार व्यक्ति होगा, अगर उसके ऊपर कोई भी परेशानी, दिक्कत होगी जिसकी वजह से वह व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, वह सारी दिक्कतें ये नमक अपने साथ ले जाएगा। इस उपाय को अगर शरद पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाए तो यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस उपाय को कई लोग दोस्तों शरद पूर्णिमा तिथि के दिन करते हैं, तो आप भी इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दें, तो एक बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी की हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो बस एक काम कीजिएगा, शरद पूर्णिमा की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और अपने घर के पूजा घर पर जाना है। पूजा घर पर आपको सबसे पहले घी का दीपक जलाना है, एक पीला कपड़ा बिछाना है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। उस पर एक मुट्ठी नमक रखना है और इस कपड़े की पोटली बनाकर अपने हाथ में पकड़ना है और 11 बार भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद आपको इस पोटली को अपने कमरे में रख लेना है। देखिए, अगर आप इतना उपाय इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लेंगे तो यह पोटली भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके नवग्रह आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, करियर कारोबार में आपको सफलता देखने को मिलेगी, कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं मामलों में आपको जीत हासिल होगी। और एक बात को समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति को कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस शरद पूर्णिमा तिथि के बाद आपके घर पर हमेशा माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहे, तो बस एक काम कीजिएगा कि शरद पूर्णिमा तिथि के दिन घर पर 11 रोटी बनवा लीजिएगा और हर रोटी पर थोड़ा सा सफेद नमक रखकर किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और शरद पूर्णिमा तिथि के दिन आप यह उपाय करेंगे
तो भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा आपके घर पर बना रहेगा, जिससे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर के हर